बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौन ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से एक समूह का जो वोट करने का अधिकार है वो लगातार चलते आ रहा है, उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, सुविधाएं दी जाती है जो कि अब बंद कर देना चाहिए। बात इस कदर से हरिभूषण ठाकुर ने बोली, उसके बाद सियासत तेज हो गई। हरिभूषण ठाकुर जिस समाज पे, जिस धर्म मजहब को लेकर यह सवाल उठा रहे थे, उसके बाद उस धर्म के लोगों ने सीधे तौर पर बचौन के इस बयान की कड़ी काफी निंदा की। मामला विधानसभा में पहुंचा और सरकार की खूब फजीहत हुई। बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार है, ऐसे में बीजेपी के विधायक अल्पसंख्यक समाज को लेकर जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से भड़काऊ भाषण देते हैं और जिस तरीके से समाज में वो द्वेष पैदा करते हैं, इस बात की हर जगह आलोचना होने लगी। सरकार की फजीहत हुई तो जनता दल यूनाइटेड के मन में भी जो गुस्सा था वो सामने दिखने लगा। जेडीयू के और जो गठबंधन के सहयोगी पार्टी है उनके नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुसलमानों को लेकर, खासतौर पर वो लोग जो सरकार में है, अगर इस तरीके से टिक्का टिप्पणी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। जेडीयू, हम और जो अन्य दल थे, कांग्रेस के तमाम जो विधायक थे, वो इस बात से आपत्ति जता रहे थे। सदन में यह मामला खूब चला और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आखिर कौन है बचौन, कहां से जीत के आए हैं, किस सीट से चुनाव लड़े हैं उन्होंने, किस विधानसभा के वो प्रतिनिधि हैं। उसके बाद तेजस्वी को जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि बचौन ने जिस तरीके से बयान दिया यह सरासर गलत है। जनता ने उन्हें विधानसभा में जीत इसलिए दिलाई कि वो जनता का काम करें, न कि समाज में द्वेष पैदा करें। ये जो राजनीति कर रहे हैं ये गलत राजनीति है, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की जरूरत है और इस तरीके का बयान देने वाले लोग केवल लोग जो है जनता के मन में, समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को नफरत पैदा करने से सरकार को रोकनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने बड़े ही उम्मीद के साथ इन तमाम लोगों को जिताकर विधानसभा भेजा है जो जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन बचौल जैसे लोग जिस तरीके से बयान देते हैं इससे समाज में नफरत फैलेगा, समाज की दूधारा बटेगी, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान समाज का होगा। ऐसे में इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों पर या इनकी बातों को समाज के जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसे लोगों को फिर चुनाव में मौका ही क्यों दिया जाता है। ये लोग केवल जाति धर्म मजहब के नाम पर जो समाज के अंदर आपसी भाईचारा है उसे खराब करने में लगे रहते हैं। सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक के ऊपर तीखी टिप्पणी की है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौन ने उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यानी कि जो मुसलमान है, हरिभूषण ठाकुर बचौन बीजेपी के विधायक है, कहां से उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान है उनसे वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं? कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, धर्म में या समाज में नफरत नहीं फैलाना चाहिए। एक बात समझनी चाहिए, कभी भी नफरत की राजनीति करने के लिए जनता ने उनको नहीं चुन के भेजा, उनको चुना है काम के लिए, उस क्षेत्र की तरक्की के लिए, जनता के कल्याण के लिए, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए, ये विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। दिक्कत क्या है, कुछ लोग जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि नफरत की राजनीति कर दो, जात की राजनीति कर दो या धर्म की राजनीति कर दो, लोगों में आपस में लड़वा दो, उनका काम बन जाएगा। तो ये इस तरह का टिप्पा टिप्पणी करना मेरे ख्याल से शोभा किसी को नहीं देता, ये धर्म भी नहीं।